ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೀ ಪ್ರಶಿ ನಂದನ ಗೌರ ಹರಿ ಕೀ ಪಿತಾಯಿ ಗೌರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಬಡಿಯಾ कहते भागवत का जो दूसरी श्लोक है वो प्रतिज्ञा। देखो ध्यान से सुनो, ये भागवत कथा की कितने महिमा है। जैसे राधा कृष्ण मंदिर में गौर राधा कृष्ण मंदिर में कथा हो रही है, अभी आप लोग घर में बैठे हो, कथा भी नहीं आई, लेकिन आपको पता चला यहाँ कथा होने जा रही है। अगर किसकी मन में इतनी मात्र भावना आ जाए, मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, इतना मात्र इच्छा होते ही क्या होता है, बोले सत्य हृदय अवरुद्ध थे कृति भी सुशुभी तत्क्षणात्। जैसे एक व्यक्ति मानो घर में घुस करके अपने आप अंदर से अपने आप कुंड लगा दे, ऐसे ही जिसकी मन में केवल इतनी सी इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगा नहीं तो जाऊंगी, उसी समय में ही ठाकुर जी उसकी हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिलता, केवल सुनने की इच्छा मात्र होते ही। लेकिन भैया जो सचमुच से आकर कथा में बैठ गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी तो महिमा हम बता ही नहीं सकते, वो कितने सौभाग्यवान जो व्यक्ति भागवत कथा में बैठ करके कथा सुनते हैं। बोले भैया कथा कौन सुन सकते हैं, बोले केवल एक व्यक्ति कथा सुन सकते हैं। बोले कौन है, बोले बैठिए बोले कौन है ओ, बोले सुश्रुषुभी। बोले सुश्रुषुभी मतलब जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म कोई पुण्य उदय हुआ कोई कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हमने पुण्य कुछ किया है फिर कथा नहीं सुन सकते। बोले केवल आकर कथा में बैठ जाओ, कथा सुनते सुनते अपने आप को पुण्यात्मा बन जाओगे कथा सुनते ही। कहते ये भागवत का प्रतिज्ञा है। तीसरे श्लोक में आशीर्वाद, भागवत की आशीर्वाद देता है। बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखास अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। बोले जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुन रहे हैं वो कहाँ पर बैठे हो, बोले कल्प वृक्ष के नीचे। बोले भैया कल्प वृक्ष मतलब क्या, बोले जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। देखो छोटी सी कथा सुनो, एक समय कोई एक राजा जंगल में घूमने गया, घूमते घूमते बड़ा दूर तक चला गया, एकदम शाम हो गई, उसको प्यास का मारे छाती फट रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, बैठ करके सोच रहा है अगर मैं आज मैं राजमहल में होता है ना, मेरी दासियां कितने सुंदर ग्लास में कितने सुंदर जूस ला करके मेरे को पिलाती, लेकिन वो कल्प वृक्ष को नीचे बैठा हुआ उसको बता ही नहीं था कल्प वृक्ष। इतना बोलते ही स्वर्ग से सुंदर सुंदर अप्सरियां उतर कर आ गई, बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी मीठी मीठी जूस। बोले महाराज पियो। बोले भैया इच्छा करते ही मिल गया, पी करके सोचा अगर मैं राजमहल में होता है ना, मेरी रानी छापन भोग छत्रिस व्यंजन ला करके सामने धर देते और इच्छा करते देखा सतमुच से कहां रंभा और बस उतर करके आए, बड़े सुंदर छापन भोग छत्रिस व्यंजन दे दिया। अगर राजमहल में होता तो कितना सुंदर मखमल पलंग को ऊपर में विश्राम करता, देखते ही सतमुच से कहां से प्रकट हो गया, जो सोने जा रहा था ना हो गया सांप और वहां रहते शेर। इतने में शेर ने दहाड़ मारी, जो दहाड़ मारे वो कल्प वृक्ष है ना, जो मांगो को वही देगा। जब उसने दहाड़ मारे उसने सोचा भैया शेर नहीं आ जाए, और सचमुच से शेर आ गया क्योंकि जो मांगो तो वही मिलेगा, बोले ये मेरे को खा नहीं जाए और झपटा और उसको खा लिया। इसको कहते हैं कल्प वृक्ष। कहते ये जो हम कथा सुन रहे ना ये भी कल्प वृक्ष है, लेकिन ऐसे कल्प वृक्ष नहीं शेर आकर खा जाएगा, नहीं ये कल्प वृक्ष केवल अच्छा ही अच्छा चीज है। जैसे माँ है, माँ बच्चों को कभी बुरी चीज देती नहीं, अगर माँ को सामने बेटा बोले मैया बीस दो, पूछे के बोले बीस किया कर, बोले खाओ थप्पड़ मारे, बोले बीस कोई खाने के लिए लड्डू खा ले कचौड़ी खा ले मिठाई खा ले, कोई बीस कोई खाने का चीज है,
जो कल्प वृक्ष है ये माँ है, भागवती है माँ, ये कभी बच्चों का अकल्याण कभी कर ही नहीं सकती, भागवत कभी नहीं देगी। लेकिन हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अच्छी बात समझा, ये चीज को समझो, भागवत जो मांगोगे वही देंगी। इसलिए आप छोटे मोटे चीज मत मांगो, ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज पाओगे तो जीवन में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बताओ ऐसे कौन सा चीज, ठाकुर जी को एक चीज मांगो, एक चीज मांगोगे ना जीवन में सब खुशी आगे मिल जाएगी। क्या है बोलो, कोई बोल नहीं रहे। हाँ, भगवान की चरण की सेवा और उनकी भक्ति। अब हनुमान का नाम जानते हो, कौन कौन हनुमान का नाम सुनो, सब जानते हो ना। देखो हनुमान से सीखो, जब हनुमान जी को प्रभु बोले, हनुमान जी अगर तू नहीं होता है ना कभी भी ये सीता को उद्धार करना कठिन था, मैं आज इतने प्रसन्न जो महादेव आज मैं सो दे दूंगा। हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर माधव हरसी देहो सिरंग बदा सरोज अनुपायनी भक्ति सता सतसंग। बोले हे प्रभु आपकी चरण में बारंबार एक ही प्रार्थना करता हूँ, हमें जीवन में संतों की संग दो और हरि कथा मिले और तुम्हारी चरण की हमें सेवा मिले। देखो हनुमान जी को तो चका चक है ना, सारा दुनिया में पूजा हो रही है, क्योंकि भक्ति जिसको जीवन में भक्ति मिल गई ना, सब जो जीवन में सारी संपत्ति उसको मिल जाती है। देखो और भी छोटी कथा सुनो। बोले एक समय एक व्यक्ति अंधा था, उसने श्री भोले बाबा को पूछा कि भोले बाबा संतुष्ट हो गए, बोले बेटा पर मांगो, बोले मेरे को तीन वर चाहिए, शंकर जी वर नहीं एक वर, जो मांगोगे एक वर से मांगना पड़ेगा। वो अंधा पहले तीन वर सोच कर गया था, बोले क्या, बोले एक तो अंधा मेरे को आंख मिल जाए, दूसरा थोड़ा संपत्ति मिल जाए, बोले तीसरा किसी अच्छी सुंदर किसी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो पहले ही सोच करके आया था, लेकिन ये भोले बाबा कहते भैया एक बार जो कुछ मांगना एक बार से मांगना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, देखो क्या मांगता है। बोले मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में है, जो हाथी के पीठ के ऊपर बैठ करके सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो, समझ गए। हाँ बताओ, राज महल के ऊपर में हाथी को पीठ पर कौन बैठता है, राजा महाराज। फिर सोने की कटोरी में कौन खाते हैं, वो भी राजा महाराजा। फिर दूध चावल खाते हुए देखो, देखेगा कब जो आंख होगा, बोले बेटा कब होगा जो शादी हो जाएगा। बोले वाह ये तो बड़ा चतुर निकला है। हाँ ऐसे ही भगवान से ऐसे एक बार मांगो जो एक बार से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये भागवत कथा नहीं ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन छोटे मोटे चीज मत मांगा करो, बड़ी चीज मांगो ठाकुर जी की भक्ति सेवा। अगर ये धन मिल गया ना, ये संसार का धन तो अपने आप चुटकी बजाते मिल जाएगी, इसके लिए कोई चेष्टा की कोई जरूरत नहीं। बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम, बोले ये भागवत क्या है, बोले ये कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। फिर इतने में सूख पक्षी ने उसको चोंच मारी। एक कहावत है, जो फल को तोता थोंट लगा देना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है। यदि ये सुखदेव गोस्वामी है कौन, बोले प्रिया सुखश्री वृषभानी जाया, ये राधा रानी की एक प्यारी सखी है। वैसे कथा हम लोग बोलते हैं हमको अच्छी लगती है, अगर राधा रानी की कोई सखी अगर कथा बोले तो कितना मिठास आ जाएगा। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से कथा निकली, ये कथा नहीं ये तो अमृत की धारा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का मुंह में थोंट में राधा रानी कभी कभी चुंबन करती थी और उसका थोंट में राधा जी की अधरा व्रत लगा हुआ है। इसलिए वो कथा इतने मीठी, इतने कथा मीठी है। कहते भैया इसको क्या करो, बोले खूब पियो, क्या करो इसको पियो। लेकिन पहले बोला आप तो पहले बोल दिया ये फल है, आप लोग तो बताओ तो फल को खाते हो ना फल को पीते हो, अरे बोलो जोर से। लेकिन ये कहते पीतो पियो, बोले ये ऐसे के फल है जिसमें छिलका नहीं जिसमें गुठली नहीं जिसमें रसी रस है। और एक बात बताओ, कोई चीज को जो पीते हो किधर से पीते हो, अरे बोलो किधर से पीते हो। लेकिन अभी जो रस को पान कर रहे हो किधर से पी रहे हो, कानों से। बोले ये ऐसे के दिव्य रस है
जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किधर से पी जाती है? कानों से पी जाती। देखो मुंह और कान में पीने का क्या फर्क है, कोई चीज आप मुंह से पियोगे ना आप निकलेगा नीचे, आप रख नहीं सकते हो, लेकिन कोई चीज को कानों में पियो वो निकलेगा नहीं। इसलिए कहते ये दिव्य रस को कोई मुंह से नहीं पीते हैं, किधर से पीते हैं? कानों से पीते हैं। बोले भैया पीते तो है लेकिन निकल जाती डूबती नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर में सारी भरा पड़ा हुआ है, एक तरफ में तो सुनते हैं दूसरे तरफ में निकल जाती है। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है पिएंगे तो लेकिन एक बूंद नहीं निकलेगा? देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप देखता हूँ कौन उत्तर दे पाता है, ध्यान देकर सुनो। जैसे एक बटकी हो इसमें छेदी छेद है, अगर कोई पानी डालोगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। ऐसे कौन सा उपाय है भले ही उसमें जितना छेद क्यों नहीं हो लेकिन डालोगे ना एक बूंद नहीं निकलेगा? कौन बोले कहा देखा बोला? ऐसे कौन सा उपाय है भले ही उसमें जितना छिद्र क्यों नहीं हो लेकिन एक बूंद नहीं निकलेगा? वस्त्र डाल ना प्लास्टिक डाल। हाँ इसलिए इसने सबसे सरल उपाय बताए, वो मटकी को पानी में डुबो, मटकी को पानी में डुबो करके रख लोगे, अगर रख लोगे ना भले ही जितना छेद क्यों नहीं हो पानी निकलेगा फिर? क्योंकि अलग वो पानी में डूबा हुआ है। हाँ यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर ये भागवत कथा रस में अगर आप डूबे रहोगे मुंह रहो, अगर ये कथा रस को हर समय पान करते रहोगे ना भले ही तुम्हारे हृदय में जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो निकलेगा? देखो इसका प्रमाण देखो, हम सभी का हृदय में काम है क्रोध है लोभ है, लेकिन आपको कोई काम क्रोध कोई सता रहा है अभी? कोई काम याद ना क्रोध कोई लोभ याद है? नहीं, क्योंकि आप भगवान की कथा रस में डूबे हुए हो। लेकिन केवल कथा छोड़ कर केवल बाहर जाओ, घर में जाते ये होगा, घर में जाने पर ये होगा, उसको साथ में ये हो रहा है, बहू को साथ में बैठते नहीं, बेटी बात नहीं सुनते, आप देखना यहाँ से उठ करके जाते ही जितने झंझट आकर के सर पर बैठ जाएंगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया इससे निकलने का रास्ता किया, पहले हर समय कथा रस में डूबे ही रहो, कथा में तो पान करते रहो, फिर तो तुम्हारे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोले भैया ये कथा को कौन पी सकते हैं? बल्कि बोले दो लोग पी सकते हैं। बोले दो लोग कौन है? रसिका और भावुका है, जिसका तुम्हें हृदय में रस हो और जिसके हृदय में भाव हो ना केवल वही व्यक्ति रस को पी सकते हैं। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि जिसको पर हो जाए पार्वती पाप तेही असंगत सोई, उसको ही जीवन में ये भागवत कथा सुनने को उसको ही जीवन में प्राप्त होता है। बोले भैया ये रस को पीने वाले तो सारे भक्त हैं, भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, ये सबके सब रस को पीते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में ये रस को पीने वाले कौन है? ये ब्रज की गोपियां। ये जैसे रस को पान करती है ना इसलिए इनका नाम गोपी, गोपी मतलब क्या? गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है श्रीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं ये श्री ब्रज गोपियां ही पान करती हैं। बोले भैया रस क्या है? बोले कृष्ण के अधरा मृत है, हैं उसको पान कौन करती? बोले उसको प्रिया ही करती है, इसलिए पूर्ण रूप में रस को श्री गोपियां पान करती हैं। इसलिए ये भागवत जो कल्प वृक्ष है क्या आशीर्वाद देती है?
जितने भी भगवान को भक्ति पांच रसों से होती है, शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य और मधुर। लेकिन पूर्ण रूप में ही रस को कौन पान करती है? बोले ये ब्रज गोपियां जैसे कृष्ण को प्राप्त की, ऐसे और किसी ने उनको प्राप्त नहीं कर पाई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पर श्री बोले ओम नमिसे अनिमिसे क्षेत्रे अभी ये घोर कलयुग आया है। अब ये कलयुग से डरते हुए हरे कृष्णा कभी ये कलयुग से डरते हुए कलयुग से डरते हुए कभी ये सौनका ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा को पास में गए। बोले आप बोले ये बताओ ये कलयुग से हम बचेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करूंगा। ये चक्र जहाँ पर गिरे उस स्थान को सबसे पवित्र मानो, वहीं पर भजन करो, तुम्हारे ऊपर कोई कलि का कोई असर नहीं पड़ेगा, वहां बढ़िया से भजन कर सकते हो। ये दो चक्र जहां कहां पर गिरा कहते नदी सारे हैं। कोई गए हो नदी सारे का? कौन कौन गए हो? जो गए आप देखे होंगे वो चक्र एकदम पाताल में भेद से चली गई। 24 घंटा वहां पानी निकलती है। हाँ, वहां पर श्री गंगा देवी प्रवाहित हो रही है, बड़ी सुंदर मनोरम स्थान वहां पर है। इसलिए कहते वहीं पर ये सौनका ऋषि लोग को बैठ कर हजार सालों से तपस्या और यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ करते 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 उनकी हृदय क्यों चल गई, लेकिन मन में कोई शांति नहीं आ रही थी। एक दिन वहां पर से उग्र सभा सुत आए। बोले सुत दो है, एक है लोमर्षण सुत और एक उग्र सभा सुत। ये चीज को सुनो। बोले एक समय ये लोमर्षण सुत का बेटा उग्र सभा सुत है। एक समय श्री लोमहर्षण सुत ऋषि मुनियों को पुराण सुना रहे थे और वहां पर कौन आए? श्री बलदेव प्रभु। कहते बलदेव प्रभु कौन है? आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु। जब श्री गुरुदेव बलदेव प्रभु आए तो जो पुराण सुना रहे थे बोले आए बैठ जाए, मैं तो पुराण सुना रहा हूं, हमें कोई सम्मान करने का कोई जरूरत नहीं। बलदेव प्रभु ने देखा कथा तो कर रहे हो, लगता है किसी शुद्ध परंपरा में तुम्हें जुड़े नहीं। नियम है कितना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं है। इसलिए कहते प्रथम अंतु गुरु पूज्य तत्सैव ममार्चन, पहले गुरु जी की पूजा उसके बाद में ठाकुर जी की पूजा है। इसलिए बोले हरो वृष्ट गुरु त्रता गुरु वृष्ट न कस्यच। अगर कभी ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाए ना, अगर गुरु जी तुम्हारे पर खुश है ठाकुर बिगाड़ नहीं सकते। अगर गुरु जी तुम्हारे पर नाराज हो गए और ठाकुर जी राजी है, ठाकुर भी तुम्हें बचा नहीं सकते, ठाकुर भी तुम्हें बचा नहीं सकते। ये बलदेव प्रभु मूल गुरु है। इसलिए जब आए लेकिन उनको देख करके उन्होंने सम्मान नहीं किया, कंटिन्यू पुराण पाठ करते रहे। बलदेव प्रभु ने देखा ये बड़ा घमंडी है, इसको पता नहीं पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने उठाया एक तीन का केवल और उन्हें गला को उन्होंने काट दिए, हाहाकार मच गया। वहां पर जितने ऋषि मुनि थे बोले प्रभु हम तो पुराण सुन रहे थे, अभी पुराण किससे सुने? बोले चिंता मत करो, उसकी छोटा एक बच्चा था वो ग्रह सभा सुत, उसको बुलाया, सर पर हाथ रखे, रक्त जितने वेद पुराण उसके हृदय में सारे स्फूर्ति हो गई और बैठ करके सारी कथा को उन्होंने सुनाना शुरू किया। मतलब है अगर गुरु जी किसके ऊपर संतुष्ट हो जाए ना, उसके हृदय में सारे तत्व ज्ञान अपने आप स्फूर्ति हो जाती है, सारे तत्व ज्ञान स्फूर्ति हो जाती है। इसलिए ये कौन है? बोले उग्र सभा। उग्र सभा मतलब जिसकी कान बड़े उग्र, जो एक बार सुन लेना सब चीज को क्याच कर लेता है। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, ये जो उग्र सभा सुत वो सबसे पीछे बैठे थे, सबसे पीछे बैठे थे। लेकिन जब सुत गोस्वामी
श्री सुखदेव गोस्वामी कथा की, उन्होंने सारी कथा को उन्होंने क्या किया, सारी कथा भगवती किया। और देखो बोले भैया सूत मतलब क्या है, कहते जो रथ को चलाते हैं ना उनको सूत कहते हैं, मतलब छोटे जाति है, इसलिए छोटे जाति होने पर भी, लेकिन जब ये आए ये सौनक आदि ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं, ये ऋषि लोग है ब्राह्मण लोग, प्रश्न किसको कर रहे हैं, एक छोटे जाति व्यक्ति को। बोले तात्पर्य, बोले तात्पर्य है जात पात कुछ ना कोई, और हरि का बजा सो, हरि का बजा सो हरि का। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में बताए, जय भजे सही बड़ा अभक्त निचार, कृष्ण भजन नहीं जाती गुलाद विचार। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। बताओ हनुमान की कौन से जात में जन्म हुई, बंदर है। हनुमान स्वयं कहते हैं अगर सवेरे उठ करके मेरे मुंह को देख ले ना, मेरे नाम लोगे सारा दिन उसको खाना नहीं मिलेगी, मैं ऐसे छोटे जात में मेरी जन्म हुई, लेकिन प्रभु राम की कृपा देखो मेरे ऊपर हुई। घर घर में जिनकी सवेरे उठे जिसकी पूजा आरती करते हैं, इसलिए हमारे श्री प्रभुराम कौन सा जाति के थे, राक्षस, राक्षस जाति के। विभीषण कौन, राक्षस जाति के विभीषण थे। सबरी कौन जाति की थी, सबरी जाति की, इसलिए बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे Thank you.
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। इसलिए श्री स्वर्णकार ऋषियों ने सुत गोस्वामी बोले, हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ही सारे वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन किया। देखो और एक चीज सिखा देते हैं, अगर कोई सोचे हम अपने आप ग्रंथ पढ़ लेंगे, अरे गुरु वैष्णव को पास में जाने का जरूरत क्या है, हमारे हम पीएचडी किया है, हम बड़े विद्वान हैं, अपने आप ग्रंथ को पढ़ने को नहीं। ये ग्रंथ अपने आप पढ़ने का वस्तु नहीं है। इसी जगत में देखना, तुम्हारे पास में पुस्तक है, जैसे सीए कर रहे हो, डॉक्टरेट कर रहे हो, अपने आप पढ़ लेते ना, किसी टीचर को पास में जाते हो, किसी बढ़िया टीचर को पास में जाना पड़ता है, है? इसी जगत में देखना, जो शराब पीते है ना उसका भी कोई टीचर होता है, जो बीड़ी फूकता है उसका कोई टीचर होता है, जो चोरी करता है, देखना इसी जगत में बिना गुरु के कोई भी चीज आप सीख नहीं सकते हो। हर चीज में कोई ना कोई गुरु तुम्हारी होता है, है? भैया देखो, जड़ विद्या में कोई गुरु की जरूरत है, जहाँ परमार्थ जहाँ ब्रह्म विद्या है, वो विद्या को अपने आप तो पढ़ लोगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, अब गुरु जी की कृपा से ही ये ग्रंथों का अध्ययन किया। देखो एक चीज समझो, हमारे बड़े गुरु जी बोलते थे, जैसे एक गीता है, देखना उसमें कितने टीका है, कर्मी ज्ञानी योगी कितने टीका भैया, और एक अक्षर तो एक ही है, पर इतने टीका कैसे हो गए, टीका कहाँ से आ गई, अर्थ तो एक ही है, एक ही शब्द कहाँ। देखो कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने आपको बोला आप कहाँ गए, इसका मतलब है मेरे को पता नहीं आप कहाँ गए थे। देखो शब्द क्या करता है, आप कहाँ गए थे, देखो केवल शब्द बदल गया तो अर्थ क्या हुआ, तुम जहाँ गए थे सही जगह पर नहीं गए। अगर मैंने बताया कहाँ गए थे, मतलब जहाँ गए थे ना हमें पता है तुम कहाँ गया था। देखो शब्द ही ना, देखना केवल उसकी टोन से उसकी भाव बदल जाती है। इसलिए शास्त्र में केवल उसकी अक्षर है, टोन नहीं। इसलिए इसको कौन समझ सकता है, भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त्या मां कृपया अग्राह्य न तो बुद्धया न प्रतिक्रिया, बुद्धि विवेक से नहीं जान सकते हो, भक्त्या मां कृपया अग्राह्य, केवल भक्त ही मेरे को जान सकते हैं, मेरे को भक्त के सिवाय और कोई मेरे को जान नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कह रहे, अब तीनों पीछे क्यों बैठे हो, सामने आओ, देखो आपको भी हम खड़े करने वाले हैं बोलने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, आप गुरु जी की कृपा से सारे चीज को आप अध्ययन किए हैं, गुरु जी की कृपा से, और ये कलयुग बोले प्रायण अल्पायुष शब्द, कलयुग में प्राय करके लोगों का उम्र कम है, सत्य युग में एक साल एक लाख साल बिता रहे, त्रेता युग आ गया एक शून्य हटा दो हो गया 10,000, द्वापर युग आ गया 1,000 से एक शून्य हटाओ कितना होगा, अरे बोलो 1,000 से एक शून्य हटाओ कितना, 100, कलयुग आ गया तो 100 हो गया, और जो घोर कलयुग आएगा ना 100 से एक शून्य हटाओ कितना होगा 10। पुराने में बताया जब घोर कलयुग आएगा ना इंसान कितने बड़े बड़े हो जाएंगे, बैगन पेड़ से बैगन भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि देखना हर चीज आपको हाइब्रिड देकर बनती है, आपको अभी कोई प्योर चीज नहीं, प्रदूषण चार तरफ में, कोई कुछ दिन बाद में कहते हैं ऐसे हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन ले रहे ना उसके लिए पैसा देकर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ऐसे घोर कलयुग आ रहा है। ये कलयुग में अल्प करके आयो, फिर बंदा सुमंद मत हो, कलयुग का जो मान है ना बड़ा मंद, बल क्यों, पहले ये इंटरनेट नहीं होता था, ये टीवी नहीं होती थी, ये स्मार्टफोन नहीं होता था, आपको पता होगा बच्चे कितने ये स्मार्टफोन से कितने बिगड़ रहे हैं, ये कली, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये कली ने स्मार्टफोन रूप धारण किया है, ये स्मार्टफोन कली ने, इसमें जो कुछ देख लो बैठी बैठी कर गंदी गंदी चीज, और बच्चों का हाथ में पड़ेगा दिन भर तो देखना बिस्तर में चलते हुए बैठते हुए सारा दिन, उसके बगैर कुछ नहीं जाते हैं, इतने लोगों को इतने बुद्धि खराब कर रहे हैं ये स्मार्टफोन इंटरनेट, और इंटरनेट में तो उसमें साथी करके ना उसमें डाइवोर्स कर देते, उसमें भी साथी उसमें भी डाइवोर्स कर देते ये बच्चे लोग। इसलिए बल ये कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है, कहते कलयुग में जीवों का जो भाग्य भी मंद है, बोले जुबद्रुता
बोले सुभद्रता मतलब क्या, जैसे पत्नी जैसे आप लोग माताएं आए हो कथा सुनोगे, अगर रंग चढ़ा, अगर गला में थोड़ा कटकी तिलक लगा लिया ना, पति बोलेगा कौन की बाबा के चक्कर में तो बढ़ गई हैं, पहले बोलते थे सिनेमा दिखाने ले चलो घूमने, अभी समय होती चलो चलो इसको चलो मंदिर चलो। अगर पति अगर कथा में आए रंग चढ़ा, अगर थोड़ी गीता भागवत तिलक कटकी पाई क्या मैं काम धाम कोई नहीं, जब तक गीता भागवत बैठी जाते हो हैं कोई काम करना नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे अगर भक्ति में आए, अगर गले में कंठी तुलसी पहन लिया ना, बोले ये तेरे कोई उम्र है भजन करने का हैं, अभी से जो तिलक कंठी तुमने क्या पहन लिया। लेकिन बेटा अगर शराब पीना बोले वेरी गुड, अगर सिगरेट पीना तो बहुत बढ़िया है हैं, अगर लड़की को पीछे भागता बोले इससे तो बढ़िया कुछ है नहीं, बेटा हमारा अभी भी बहू को ढूंढ लिया, अभी कोई चिंता नहीं। अब देखना कोई गंदा काम करता है ना उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलते, लेकिन बचपन में अगर थोड़ी तिलक कंठी धारण कर लिया बोले ये कोई तेरी उम्र है अभी भजन करने का, मतलब कलयुग में इतने उपद्रव है कलयुग में, बोले भैया ये उपद्रव कलयुग में करी भक्ति कैसे करेगा। इसलिए उन्होंने सौनकाद ऋषि ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की, बोले छह प्रश्न का जो उत्तर है ये पूरी भागवत छह प्रश्न की उत्तर है। आज मैं छह प्रश्न बताऊंगा क्या, कल आपसे सुनूंगा, इसलिए ध्यान देकर सब सुनो। कल जो बताया था आप लोग पास हो गए, लेकिन थोड़ी सी फेल हो गए लेकिन पास करके हो गए। अब ये छह प्रश्न सुनो ध्यान देकर। इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले। देखो जीवन में जो अनमोल वस्तु ये शांति है, जीवन में हम जो कुछ करते हैं किसके लिए कर रहे हो, शांति के लिए। लेकिन आप स्वयं देख लेना सामने एक समस्या, हम कोशिश करते हैं किसी तरह से एक समस्या दूर हो जाए, जीवन में चैन मिलेगी। आप सभी ने आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, वो एक समस्या तो दूर हुई नहीं, सामने और एक समस्या है, फिर कोशिश करते भैया दो समस्या खत्म हो जाए, फिर समस्या दूर होकर देखना दोनों तो गया नहीं, फिर तीसरा समस्या दल दल में फंस जाती है। लेकिन हमारे पास में पैसा है, रुपया है, बीवी बच्चे हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं। बताओ वो पैसा दुकान दरवाजे कोई महत्व है, लेकिन अगर सुख है दो रोटी में शांति मिलती है ना, ये अनमोल वस्तु ये शांति है। इसलिए इनका पहला प्रश्न है करोड़ रुपया की प्रश्न, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। फिर दूसरा जो प्रश्न है, देखो ये सारे प्रश्न एक से जुड़ा हुआ है। दूसरी प्रश्न है, अगर आपकी कथा को नोट करोगे ना एक दिन आप भी भागवत वक्ता बन जाओ, आप चाहते हैं एक दिन आप लोग भी चार जगह पे जाने कथा करो, लेकिन कब बनो जब हर कथा को नोट करो, इसलिए एक नोट बुक लेकर जाना, सात दिन में पूरा सात कथा भी याद कर लोगे, फिर आप पूरा पूरा कथा करना शुरू कर दोगे, ठीक है। इसलिए मैं अगली बार आपका देखता आपको कथा करते हैं। इसलिए बोले दूसरी जो प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल साधन क्या है। देखो एक से एक जुड़ा हुआ, यहाँ बोलते हैं जब तक की भगवत प्राप्ति नहीं हो भले ही जीवन में तू जो कुछ कर ले शांति मिलने वाले नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी शुभ नहीं पावा, हरि से विमुख होकर के अभी तक किसको सुख मिला ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं जानते हो, क्या ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे। आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो, कौन रावण का नाम जानते हो, उसकी सोने की लंका थी। हमारे पास में कितना सोना होगा बोलो, एक किलो दो किलो दस किलो बीस किलो, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जिनकी लंका ही सोना ही सोना ही लंका है, और पत्नी सोचते हैं किसी अच्छी छोरी से शादी कर लेना नहीं तो छोरा से बस शांति मिल जाएगी, उसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या है, जिस मंद मतलब तो पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत पतली थी, विश्वकर्मा की बेटी निर्भर उस समय थी, जिसको पाने के लिए जहाँ पर हनुमान भी जिसको देख करके मुक्त हो गए, बोले ये तो माँ लक्ष्मी नहीं, भ्रमित पड़ गए। हनुमान भी इतने सुंदरी थी, सोचते अच्छे छोरे हो जाए घर में शांति मिल जाएगी। बोले उसका बेटा का नाम क्या था, मेघनाथ इंद्रजीत, इतने पराक्रमी जिसने इंद्र को परास्त किया। घर में ऐसे कोई चीज नहीं जो चीज घर में थी नहीं। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, जब हनुमान को बांध कर ले गए
देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जीवन में तुम्हें जो कुछ मिल जाएगा प्रभु की भजन नहीं करोगे इसे शांति में नहीं रह सकते हो। जब हनुमान को बांध करके ले गए, देखा प्यार को नीचे उसने काल को दबा करके बैठा हुआ, देखा उसको पिता घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पवन दे अग्नि को देखा घर में कपड़ा धुलाई कर रहा है, जिस इंद्र चंद्र को हम वंदना करते हैं, जो ग्रहों को पूजा करते हैं ना, सबको बांध कर रखा था, किसी को उसने छोड़ा नहीं है। लक्ष्मी देवी जो तलवार का काम करते थे, इतने पराक्रमी रावण किसी चीज की कभी नहीं, लेकिन चैन से नहीं बेचैन से जी रहा था। लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, बताओ कौन थी? बाबा सब पंडित यहाँ मिले, अच्छी बात है। बोले केवल विभीषण चैन से जी रहा था। बोले क्यों चैन रहा था? क्यों राम के शरण में प्रभु की भक्ति करता था, इसलिए तभी वो केवल चैन से जी रहा था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं परवा, भले ही तुम्हारे पास में जितने धन दौलत पुत्र परिवार जो कुछ तुम्हारे जीवन में, सब कुछ तुमको जीवन में मिल जाए, अगर हरि से विमुख हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, ये जड़ वस्तु कभी तुम्हें शांति दे ही नहीं सकती है। इसलिए देखो दो तरह का आनंद है, कितना तरह का आनंद है, एक तो फिजिकली आनंद है और एक है और एक है और एक असंत है, एक फिजिकली आनंद है, एक स्पिरिचुअल आनंद है। कहते जो फिजिकली आनंद, जो शारीरिक जो आनंद है ना, हर समय घटती है, कभी बढ़ेगी नहीं। जैसे पत्नी से शादी करो, पहले क्या लगती है, एक चंद्रमा तो आकाश में और एक चंद्रमा मेरे पास में, पहले लगती है चंद्रमुखी, लेकिन वही चंद्रमुख कुछ दिन बाद में सूर्यमुखी बन जाती है, और वही सूर्यमुखी ना ज्वालामुखी बन जाती है। फिर बाद में कहते तेरे को मैं नहीं चाहता हूँ और तू मेरे को नहीं चाहती, हाँ मुझे तेरे को नहीं चाहते मेरे को, पहले कहाँ शुरुआत, आई लव यू।